forward and address the gathering. Good afternoon to all, especially my chief guest, Administrator Sir Major William, Superintendent Major Kaval, our hospital side doctors, all staffs and dear students. Wish you a Merry Christmas and Happy New Year. बहुत अच्छा लगा इस समय के स्पेशली एडमिनिस्ट्रेटर सर मेजर कवल इन्हों की सपोर्ट नाल आज बहुत घट समय में इन्होंने साडे इंस्टीट्यूशन नू बहुत उपर तक लैके गए हैं। अगे भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह ही साडे नाल होर कंधे नाल कंधा मिला के साडे कॉलेज नू होर अगां तक लैके जाए। तो मैं इन्हों तो यो उम्मीद करांगी, होप करांगी कि साडे नाल इस तरह ही जुड़ के चलन। बाकी तमाम आए हुए साडे होल स्टाफ पेरेंट्स स्टूडेंट्स मैं सब का धन्यवाद करती हाँ कि इस मौके उत्ते तुसीं साडे नाल मिल के साडे इस प्रोग्राम नूं होर उत्साहित किया। तो बहुत अगे भी उम्मीद करते हैं कि अगे भी तुसीं साडे नाल इस तरह जुड़े रहोगे तो तुहाडे आउण नाल सानू होर उत्साह मिलता है। तो मेरे वालों मेरे स्टाफ वालों वंस अगेन हैप्पी क्रिसमस एंड प्रोस्पेरस हैप्पी न्यू ईयर। इस दे नाल ही मैं मेजर विलियम और सुपरिटेंडेंट मेजर कवल नूं स्टेज ते इनवाइट करांगी कि मेरे बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स जेड़े हो उन्हां नूं गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ऑल बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स प्लीज लाइन बना लो। यस स्टूडेंट्स फास्ट हड्डी हैं तो बिना इन्हों तो हॉस्पिटल की असं उम्मीद भी नहीं कर सकते। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। थैंक यू वेरी मच सर। संजना
सपना, शरणजीत, अभिषेक सहोता एंड पूनम जल्दी जल्दी नाम बोल दी जाओ। थैंक यू। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑल कॉलेज स्टाफ प्लीज कम ऑन द स्टेज टू ऑनर आवर एडमिनिस्ट्रेटर सर एंड सुपरिटेंडेंट मेजर कवल, ऑल फैकल्टी मेंबर्स कॉलेज ऑफ नर्सिंग प्लीज कम ऑन द स्टेज of our mentors and our motivators, that is Administrator Sir and Ma'am. We would like to honor them with a great present. प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद होवे कि जिसने शुरू तो लैके अखीर तक सानू हुण तक सही सलामत संभाल के रखिया। और ये समा है कि असी सिर्फ 5 या 7 मिनट परमेश्वर के वचन के विचों सुनांगे, पर जदों खुदावंद का वचन खुलता है मेरा ख्याल साढ़े दिल भी खुलने चाहिए आ और साढ़े कान भी खुलने चाहिए आ। इस करके अपना सारा ध्यान जिहड़ा है
और परमेश्वर दी खुदावन दी बाणी वाल लाइए। असी ज़्यादा घंटा या दो घंटा नहीं बोलेंगे, सिर्फ 5 या 10 मिनट, इस तो ज़्यादा सानू पचदा भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा वचन सानू की हजम नहीं होता। इस करके 10 मिनट ही यही दे ले तो यो ही बहुत है। परमेश्वर के कलाम के विचों असी पढ़ांगे मती 2 अध्याय और उसकी 1 आयत तो लैके 12 आयत तक। इस तरह लिखा है, हेरोदेश राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेश राजा उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों से, सब प्रधान याजकों से और शास्त्रियों को इकट्ठा करके पूछा, मसीहा का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा ये लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तो किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से छोटा नहीं है, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इसराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेश राजा ने जोशियों के चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि मुझे बताओ, तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था। तब उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वे मिल जाए तो मुझे सुसमाचार दो, ताकि मैं भी उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था उनके आगे आगे चला। जहां बालक था उस जगह उस ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंदरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेश के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। खुदावन के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर आशीष हो। इस वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म जो दर्शाया गया है, उसमें से 2-3 बातें मैंने ली हैं। पहली बात कि ज्योतिषी जो है वो पूछते हैं एक दूसरे को कि हमने उसका तारा देखा है, वे कहाँ है। Where is Jesus born? मसीह यीशु कहाँ पैदा हुए हैं? Where is Jesus born? कहाँ पैदा हुए हैं? आप ध्यान दें, सारे लोग जरा मेरी बात की तरफ ध्यान दें, प्लीज अटेंशन। सवाल पूछा जाता है कि मसीह यीशु का जन्म कहां हुआ है, तो क्या हमने कभी सवाल पूछा है कि मुझे यीशु कहां मिलेगा? ये तो दूर देश से, समुन्द्र पार से खुदावंद की तलाश में आते हैं। क्या हम घर बैठे ही उसकी तलाश में कभी निकले हैं? क्या हमने कहा है कि यीशु का जन्म कहाँ है, वो बालक कहाँ है? और वो बोलते हैं कि हम उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सवाल में बहुत बड़ा भेद है।
प्रणाम परमेश्वर को करना हमारा सबका फर्ज है। जो जो भी लोग खुदा को ईश्वर को मानते हैं वे अपने खुदा को प्रणाम करते हैं, लेकिन जब बात आ जाती है इंसानों की तो इंसानों को प्रणाम करना हम भूल जाते हैं। क्या हमें इंसानों को सलाम दुआ नमस्कार सत श्री अकाल बोलना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे अंदर मेरा आत्मा रहता है। अगर खुदा इंसानों के मनों में है तो जब हम किसी इंसान की कदर करते हैं, जब किसी इंसान को हम नमस्कार सलाम या प्रणाम करते हैं तो हम इंसान को नहीं, उसके अंदर जो खुदावंद का आत्मा है उसको प्रणाम करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। कई बार हम क्या बोलते हैं कि मैं इससे बोलूंगा नहीं, इससे सलाम नहीं करूंगा, मुझे इससे क्या लेना देना, ये अच्छा इंसान नहीं है। दूसरा अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन आप उसके साथ साथ बुरे क्यों बन रहे हैं? अपनी जो आदत है, जो हमारा स्वभाव है, उसको हलीम रखें और उसको मसीह को जन्म दें अपने अंदर, ताकि मसीह का जन्म हमारे अंदर हो और लोग हमें पूछे कि जैसे आपने मसीह को पा लिया हमें बताओ कि मसीह कहाँ है, तब हमें मसीह की वैल्यू जो है पता चलती है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, छठवीं दसवीं आयत में लिखा है कि वे बालक को देखकर आनंदित हुए और गिरकर प्रणाम किया और उसको बहुत सारे तोहफे या गिफ्ट दिए। आपको जब गिफ्ट मिले हैं तो कितना खुशी हुई है? जब हमें सम्मानित किया गया है यहाँ पर तो कितनी खुशी हुई है? जब आपको कोई इज्जत दी गई है या परफॉर्मेंस की गई है तो आपको कितना आनंद हुआ, कितनी रिस्पेक्ट मिली है? हमारे बीच में एक गेस्ट है, शायद हमने उसको सम्मानित नहीं किया है। ही इज द अनसीन गेस्ट। मे आई नो हु इज दैट? Jesus Christ is the unseen guest. He is listening us and He is watching us. Are we honoring our chief guest, our supreme guest? क्या हम ऐसे उत्तम जो हमारा very very important guest है उसको सम्मानित कर रहे हैं? आप खुदावंद के लिए क्या लेके आए हैं? आपको तो गिफ्ट मिले हैं लेकिन आप खुदावन को गिफ्ट देने के लिए क्या लाए हो? वो कहता है अपने गिफ्ट यानी कि अपना मन मुझे दो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है? मैं तुमसे क्या चाहूं? पहाड़ मेरे हैं, पंछी मेरे हैं, पेड़ मेरे हैं, मैंने तुम्हें बनाया। सोना चांदी दौलत जो इस धरती में है वो सारी तो सारी मेरी है, तुम मुझे क्या दोगे? आप या मैं उसको कुछ भी नहीं दे सकते। सिर्फ और सिर्फ इस क्रिसमस पर हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं। उसका जन्म कहाँ हुआ और आज वे कहाँ जन्म लेना चाहता है? अपने मन को खोलिए, अपने मन की इस चरनी को खोलिए कि वो आपके अंदर आए और वो जन्म ले और वहाँ तारे चमके, वहाँ मयूसी आए, हमारे मन में गाने गाए जाए, गडरिये आए, फरिश्ते आए और हमें दर्शन हो।
तब हम कह सकते हैं कि हमने प्रभु को कुछ दिया है। आज क्रिसमस में जब खुशियां मनाई जा रही हैं, तो आइए अपने मनों को साफ करें, अपने इरादों को बदले। हेरोदेश ने जब बोला कि तुम यीशु का पता करके बताओ, मैं भी आऊंगा और उसको प्रणाम करूंगा, तब दूत ने कहा खबरदार हेरोदेश के पास फिर ना जाना, जिस मार्ग से तुम आए हो उस मार्ग से दोबारा मत लौटना। हम पहले बुराई के मार्ग में चल रहे थे, हम बुराई के मार्ग से चलकर आए हैं, खोजते 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 जब हम उसको पा लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर हम फिर उसी रास्ते पे वापस चले जाएंगे तो राजा हेरोदेश जो है जरूर कत्लेआम कर देगा, क्योंकि उसमें शैतान का वास चल रहा है, उसमें घमंड है, वो चाहता नहीं कि मेरे अलावा कोई दूसरा राजा पैदा हो। आपको प्रभु बेटे बेटियां कहता है, वे चाहता है आप भी राजाओं की तरह आगे बढ़े, राजकुमारियों की तरह आप आगे बढ़े। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है वो आपको बुला रहा है। What is your calling today? What is your dedication today? This Christmas is a season of celebration. So let us celebrate it together. Let us give blessings together. हमारे मुंह से अच्छे शब्द निकले, हमारे मुंह से आशीर्वाद निकले, हमारे विचार जो हमें पीछे लेके जाते हैं वो हमें उसी दोबारा जहां से हम चल के आए हैं वापस न ले जाए। काश कि ये बड़ा दिन, नया साल हमें बहुत सारी आशीष दे। खुदावन हम सबको बरकत दे। आमीन आमीन। Graduation is an exciting time. It's both an ending and beginning. It's warm memories of the past and big dreams for the future. Here is our next performance filled with the glimpse of college life. Let's take a look at it. Gina Media family to celebrate his birth, filled with joy and happiness in our heart, and making today's event a resounding success with his blessing and grace, we are able to make this event what it was. Next, I would like to thank our administrator sir and ma'am who support our educational newness in the campus and who encourage us to walk further miles with a smile. The secret of success in life is for a man to be ready for his opportunity in season out of season is our principal ma'am, Mrs. Salome Patrick, who keeps on encouraging and provide us with lots of opportunities to gain knowledge in various fields of our career. Thank you, ma'am. And teachers is the most important, for teachers, I believe, are the most responsible and important member of the society, because you develop students who create their own image of what they really are. Thank you all. And I most and most important thank to all the doctors who work hard to make their patient feel comfortable. They take a lead role during the hardest part of our lives. Good doctors makes this stressful situation a little less scary. And next one, I would like to thank our sincere thank to all our non-teaching staff who always ready to help by doing selfless service with a great smile. May peace be your gift of at Christmas and your blessings all year through Merry Christmas and cheers to a new year. May this season of Christmas bring joy and hope and happiness to everyone. Gather here and all people around us. Merry Christmas to all of you and Happy New Year 2022. Thank you.
छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छूने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा इंतजार में होना देख लो इधर तो एक बार मैं होना किसका है ये तुमको इंतजार में होना देख लो इधर तो एक बार मैं होना खामोश क्यों हो जो भी कहना है कहो दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो उतना प्यार मैं हूं ना किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना control out ko karke goal kachkita kachkita yeah out ko karke goal city baja ke bol kachkita kachkita yeah life out of control out ko karke goal out ko karke goal city baja ke bol murghi kya jaane ande ka kya hoga लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होट घुमा सीधे बजा सीधे बजा के बोल भैया Boy.
You understand that when you go there, they keep pulling. Then there was a boom ceremony, very close. And now here, now I have to run and reach the church at Kanwan. They are waiting, we are getting late. I said, I can't help it. So one man, so many jobs. But I am very much impressed with the whole campus of yours. I've never been here. I've heard a lot, but never had the chance of this. Jeet Singh, HP Gas Agency, Palvinder Singh Pinda Sarpanch, Radha Krishna Puri Ji, Narayan Malhotra MCC, Lovely Sunyara MC, Kamal Khokhar Advocate, हीरा लाहौरिया और होर भी जिन्हें नाल महान शख्सियतां पुजिया ने साडे सारिआं वल्लों तुहाडा आया दा बहुत बहुत स्वागत तुसीं अज इस सभा विच आण के साडे फंक्शन नूं होर ज़्यादा रोशना दित्ता है असीं तुहाडे लई एक बहुत ही अच्छी जी परफॉर्मेंस बचा के रखी है उम्मीद करदे हां तुहानूं बहुत पसंद आएगी मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर सर Oh,
सारों नो पहला एडमिनिस्ट्रेटर साहब, प्रिंसिपल साहबा, सारे स्टाफ मेंबर्स, स्टूडेंट्स, उन्हों के पेरेंट्स, तो जिन्हें भी इस खुशी के मौके पर आए ने, मैं उन्होंने सारिया मैरी क्रिसमस भी विश करना, तो नवे साल दिया भी जेडे चंद दिन बाद आना वो भी दिली मुबारकबाद मैं पेश करना चाहवागा। मेरे वास्ते बहुत एक खुशी का मौका है, मैं पहली दफा अजे बहुत लंबा अरसा हो गया धारीवाल के नाल रस्ता रिश्ता रखदू, बट फॉर्चुनेटली मैनू पहली दफा मौका मिले इतने आने का। आई हैव हर्ड अबाउट इस हॉस्पिटल बारे या इस तुहाडे इंस्टीट्यूट बारे सुनिया बहुत दफा, सी मन में भी कामना सी कि इतने मौका मिले। ऐतकी मैनू मैनेजमेंट ने बुलाया, मैं बहुत इंप्रेस होया सारा काम वेख के। मैं पूछ रहा सी एडमिनिस्ट्रेटर साहब नूं, मैनू पता लगा तकरीबन 100 साल पुराना मिशन हॉस्पिटल है, विच स्टार्टेड इन 1926। परमात्मा के चरणों से असी अरदास करनी कि दिन दुगनी रात त्रगनी रात चौगनी तरक्की इस बख्शे, क्योंकि ये जो तुहाडा मिशन है ये ह्यूमैनिटी की सेवा। साडे धारीवाल नगर वर्ग 120 बेडेड हॉस्पिटल है, फिर नर्सिंग का भी मेरे ख्याल तुसीं हुण शुरू किया, BSc नर्सिंग का भी है, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स है। इस तो पहले मैं दसना चाहना कि सवेरे ही एनुअल फंक्शन सी सेंट जोसेफ स्कूल है साढ़े कादियाँ के कोल डले मोड़ से, मैं उतों आया। उस तो बाद एक अद्धी जगह होर जाना सी, इस तो बाद चर्च के विच कानूवाड़ भी जाना है। तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आई हैव रीच्ड वन आर लेट, जिहड़ा मैनू टाइम दिता गया सी तकरीबन एक घंटा मेरे को इत्थे वध लग्गिया। मैं अपने सारे क्रिश्चन भाईचारे नू बहुत मुबारक देना चाहना, नाल मैं थोड़े जी क्योंकि बहुत सारे बच्चे बैठे ने इन्हां वास्ते भी थोड़ी जी जानकारी ये मैं देना चाहना कि तुहाडे मिशनरी सर्विसेज नाल मेरा बहुत गहरा संबंध पहले दिन दा। कादियां विच मैं जंपल सी, देश दे जदों आजाद होया मेरे फादर भी बहुत यंग सन जदों इधर आए ने, तो अपनी मैट्रिक दी क्वालिफिकेशन तो बाद क्योंकि जो उजड़ के उधरों आ गए जमीन छड़ के घर छड़ के आ गए, तो उन्होंने मौका नहीं मिल सकया फर्दर एजुकेशन। उन्होंने दिलो दिमाग से हमेशा ही गल रही, तो उन्होंने बहुत दफा मैनू भी किया कि बेटा जे मेरे को पूरी एजुकेशन होंगी तो परमात्मा ने मैनू टाइम बख्शना सी, तो आई कुड हैव हेडेड द स्टेट एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। 5 दफा MLA रहे, कई दफा मिनिस्टर रहे, लीडर ऑफ द ओपोजिशन रहे, बट वो जी कटिंग एज एजुकेशन आती है उन्होंने सम हाउ ए फीलिंग सी कि मेरे बच्चों में एक कमी नहीं होनी चाहिए। सो शुरू के बच्चे ही उन्होंने मैनू सेक्रेट हार्ट अमृतसर जोड़ा है उत्थे जी बुनियादी एजुकेशन उतों शुरू की। सो मिशनरी थोड़ी इस मिशन के नाल जुड़े हुए थोड़े एजुकेशन अदार जुड़े हुए, तो क्लास 1 च मैं उत्थे रहा, फिर 2 समझो अपनी प्रायमरी एजुकेशन उतों लैन तो बाद 3 क्लास फिर मैं गया उत्थे सीक्रेट हार्ट अजीत सेंट मैरी उत्थे हैम्पटन कोर्ट मसूरी, फिर सेंट जॉर्जेस गए। अल्टीमेटली मैं अपनी सीनियर कैम्ब्रिज जी पास की PPS नाभा तो। सो तुहाडी जिहड़ी क्रिश्चियनिटी दी मैनूं सारिआं नूं बेहतरीन गल नज़र आई, हर धर्म ही बहुत चंगा, हर धर्म ही नेकी दा रस्ता विखांदी, बट क्रिश्चियनिटी सारी दुनिया विच सारिआं नूं वड्डी रिलीजन दे 2 वड्डे कारण है ने कि उन्होंने एक रस्ता चुने एजुकेशन का, दूजा रस्ता सुने चुने उन्होंने हॉस्पिटल। ये 2 सारे वड्डियां चीज़ा ने, मिशन दे विच मिशनरी हॉस्पिटल चुने है, गरीब लोगों को बहुत वड्डी हॉस्पिटल्स की लोड़ है जिते गवर्नमेंट अदारे नहीं काम कर रहे, फिर प्राइवेट जाना पैंदा। प्राइवेट इस टाइम तुसीं वेखदे हो, असीं रोज़ वेखने जिहड़ा कोई बजुर्ग बीमार हो गया अमृतसर चला गया, तो जिहड़ी 25-30 साल की उन्होंने गरीबों की सारी आमदन इकट्ठी होंदी उह 20 दिनां च ही डॉक्टर लै जांदा, जिहड़ा कोई बीमारी तो बच जांदा उह बिल वेख के पूरा हो जांदा। तो ये इस किस्म के हॉस्पिटल्स ने जिहड़े औखी घड़ी दे विच गरीब लोगों के मिडल क्लास एंड लोअर मिडल क्लास के काम आते हैं। सो मैं हाईली एप्रीशिएट करना थोड़ी सर्विसिज़ नूं, मैं बेस्ट ऑफ लक थोनों कहना, साडा बहुत नेड़ दा संबंध है थोड़े नाल,
मैं इस मौके पर ज़्यादा ना वक्त लाता हुआ मैं अपने वालों बिकॉज आई रिप्रजेंट पंजाब एज मैंबर ऑफ पार्लीमेंट द राज्यसभा ये जी देन है ये थोड़ी कम्यूनिटी की वही देन क्योंकि जदों भी असी कामयाब हो चार बार मैं MLA रहा पांच बार बाजवा साहब रहे एक बार मेरे वाइफ रहे फिर छोटा ब्रदर रहा तो हूँ जो परमात्मा ने मेहर की मैं फिर थोड़े सामने आ जाना फिर थोड़े तोड़ियाँ गुड विशेज दियाँ थोड़े आशीर्वाद की लोड़ रहनी सो जिहड़ा तुसीं मैनू MP बनाया उहदे विच मैं अपने MP लैंड फंड चों इस मिशनरी होस्पिटल की बेहतरी वास्ते जिथे भी तुसीं चंगा समझदे हो 5 लाख रुपया मैं आंदे दिनां च कर देवांगा तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ क्रिसमस गिफ्ट अ स्मॉल क्रिसमस गिफ्ट फ्रॉम योर ओन रिप्रजेंटेटिव टू दिस वेरी वेरी ओल्ड एंड प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट ऑफ दिस रीजन इस दे नाल नाल तुहानूं खुशी होएगी कि गवर्नमेंट होस्पिटल पिछले दिन ही मैं 25 करोड़ रुपया ला के जिहड़ा ऑक्सीजन का प्लांट वो तुहाडे इत्थे ही धारीवाल ही मैं दिता हुण क्योंकि करोना दे विच बहुत वड्डे पैमाने ते लोग ऑक्सीजन दे हत्थों ही अपनी जिहड़ी जिंदगी गवा बैठे सो ये जिहड़ी एक चीज़ जिहड़ी ऑक्सीजन ते ही सारी दुनिया चलदी तो ऑक्सीजन का प्लांट मुकम्मल हो चुका 25 करोड़ रुपया मैं उत्थे दिता 5 लाख रुपया मैं चाहवांगा किसी बहुत चंगे काम वास्ते हाँ कोई जिमनेजियम होया क्योंकि तुहाडे जिहड़े स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उन्होंने वास्ते कोई जिथे पढ़ाई करते हैं उत्थे एक्सरसाइज करनी भी बहुत जरूरी तो प्लीज़ आई हाँ अच्छा दिस वॉज योर विजन सो आई हैव ऑलरेडी समहाउ इट थैंक यू इट डॉन्ड अपॉन मी दैट दिस शुड बी डन बिकॉज जो बच्चे पढ़ते हैं दे मस्ट हैव अ चांस टू एक्सरसाइज ऑल्सो आइदर हैव इनडोर जिमनेजियम और हैव आउटडोर जिमनेजियम इतने आउटडोर जिमनेजियम भी हो सकता है मैनू ये पता कि तुम बेहतरीन चीज़ लैके आओगे तो मैं किसी टाइम फिर जो थोड़ा जहा वक्त लगा आई विल लाइक टू विजिट द होल इंस्टीट्यूट मैंने बहुत खूबसूरत इंस्टीट्यूट लगे सुनिया बड़ा सी बट मैं अगे कभी इतने आ नहीं सी सकया बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी ब्रीफ विजिट दैट आई विल हैव इन द कमिंग डेज मैं आवाँगा होर भी जो तुहाडा हुक्म काम होएगा उन्होंने मैं पूर्ण आस है कि यशा मसीह जी के आशीर्वाद ना परमात्मा के मसीह सॉरी परमात्मा के आशीर्वाद ना जो भी तुहाडियां आसां उम्मीदा ने मैं उहदे ते पूरा उतर सकां इन्ना ही कहिंदा होया अज दे दिन मैं सारे नूं एक दफा फिर नवां साल मैरी क्रिसमस सारे नूं विश करना बहुत बहुत शुक्रिया जय हिंद जय भारत वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ते हैलेलुया हैलेलुया Thank you, sir. You have given us wonderful gift on the Christmas day. Thank you. May God bless you and your team. I will invite your team. Share de. Ovi state te aan. Shri Radha Krishan Puri ji. Or saade vich Manjeet gas agency wale. Ovi aan state de. और बलविंदर सिंह पिंदा जी सिंहपुरे तो सरपंच साहब साडे काउंसलर लवली जी साडे काउंसलर लवली जी और नारायण मल्होत्रा जी काउंसलर साडे वड्डे भाजी बंटी बाली जी मेरी गल सुनो साडे हीरा लाहौरिया जी साडे डॉक्टर सुदेश कुमार जी
Thank you very much, sir. You may leave. May God bless you and your team. Happy Christmas and Happy New Year to all. Last prayer. आओ असी प्रार्थना करिए, अपने अखां नूं बंद करिए, इस सभा नूं असी समाप्त करन जा रहे हाँ। दुआ करांगे, उस तो बाद खाना लगा है, तुसी खाना खाओ। खुदाबंद मेहरबान बाप, प्रभु परमेश्वर, धरती आकाश स्वर्ग पताल दे मालिक, असी तुहानू याद करते हाँ, धन्यवाद दिंदे हाँ तमाम प्रोग्राम दे वास्ते जो तुसी शुरू तो लैके अखीर तक साडे नाल रहे। सचमुच तेरे बेटे यीशु दा जन्मदिन साडे वास्ते खुशियां भरिया दिन है। तुसी अपने बेटे नूं साडे लई भेजिया तां कि असी धरती विच खुशियां मनाईयां जाण। और प्रभु जी अज दे दिन वास्ते जो फंक्शन मनाया गया है, हर एक दे उत्ते तुहाडी कृपा होवे। प्रभु जी इस खाने नूं वी तुहाडे हत्थां दिंदे आ, पाक पवित्र कर, अपनी शक्ति नाल मसा कर। जो स्टूडेंट्स जो लीव च जाते ने, अपने घर जाते ने, उन्होंने घर च पहुँचन चन वापस आने तक मत सहायता कर। प्रभु परमेश्वर हर एक जो इस जगह विच बैठा है, बहुत सारी आशीष दी काश की वड्डा दिन ते नवा साल इन्हां सारे वास्ते बहुत सारी बरकत लैके आवे। मसीह यीशु दे नाम च मानते हाँ, आमीन आमीन, हालेलुया। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी क्रिसमस।